कोरिया में लॉकडाउन में समय काट रहे एक बालक ने एक कॉफी बनाई, झागदार कॉफी, और उसका वीडियो उसने टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। अब करिश्मा देखिए कि वो वीडियो वायरल हो गई और आज उसके 2.5 मिलियन व्यूज हैं। काफ़ी पसंद की जा रही है ये कॉफ़ी, जिसका नाम है डालगुना कॉफ़ी। आज इस कॉफ़ी को बनाने की हमारी बारी है। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है। हेलो एवरीवन, नेमत खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं डालगुना कॉफ़ी। डालगुना कॉफ़ी बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर हॉट कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा दूध और आइस क्यूब इस्तेमाल करके ठंडा डालगुना कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्याला लिया है और इसमें हमें डालना है चीनी और कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पर 3 टीस्पून कॉफ़ी लूँगी और इसका फॉर्मूला यही है कि जितना कॉफ़ी उतनी चीनी और उतना ही गर्म पानी। अब इसमें 3 टीस्पून ही हम चीनी मिलाते हैं। अब जब बात कॉफ़ी की चल रही है तो लगे हाँ तो हम ये भी जान लेंगे कि अगर कपड़े पर कॉफ़ी का दाग पड़ जाए तो उसे कैसे छुड़ाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और अंत तक ध्यान से देखना है। इसे मैं हैंड ब्लेंडर से मिक्स करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं। फेंटने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी लिया है, इतना ही हमें गर्म पानी डालना है और फिर इसे फेंट लेना है। दोस्तों, गर्म पानी डालने के पीछे भी एक साइंस है। जब हम गर्म पानी डालते हैं तो काफ़ी सारा स्टीम निकलता है और जब हम इसे झाग बनाने के लिए फेंटते हैं तो वो स्टीम ऊपर की तरफ उठता है और कॉफ़ी के साथ मिल जाता है और फिर लगातार फेंटते रहने से कॉफ़ी काफ़ी फ्रोथी हो जाती है, वो झाग हमें दिखने लगता है और चीनी की वजह से सारी झाग की एक बाइंडिंग सी हो जाती है और हमें ये बबल और फ्रोथ की शक्ल में दिखता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार और मीठा होता है और हमारी कॉफ़ी को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्रेजेंटेबल बना देता है। और ये इसी कॉफ़ी ने आजकल धूम मचाया हुआ है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, मशीन ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है, लेकिन अगर यही काम हाथों से करना पड़े तो 6 से 7 मिनट का वक्त लग सकता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 मिनट के अंदर ही ये इतना बेहतरीन कॉफ़ी तैयार हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया सा इसमें पीक आ रहा है। तो अब ये रेडी है, अब हम अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो अब हमें जिस कप में कॉफ़ी सर्व करना है वो एक कप ले लेना है और उसमें मैं फिर से 3/4 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी मीठी कॉफ़ी अच्छी लगती है। और अब इसके ऊपर हमें गर्म दूध डालना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा मीठी कॉफ़ी पसंद नहीं करते तो इसे ना डालें। तो देखिए, ये मैं इसमें दूध डालूँगी और कम से कम 3/4 कप हमें दूध से भर देना है। अच्छी तरह से इसे चला लेना है और अब ऊपर से हमें फेंटी हुई कॉफ़ी को इसमें भर लेना है। यूँ तो इस कॉफ़ी को हम सैकड़ों साल से पीते चले आ रहे हैं, मगर इस डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ने इस कॉफ़ी को काफ़ी पॉपुलर बना दिया है। ये देखने में काफ़ी आई कैचिंग है, इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार है, बनाने में बहुत मज़ा आता है और सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये ट्रेंड में है। अगर आप इसे ठंडा सर्व कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉ के साथ इसे लेकर बैठ जाएं, धीरे धीरे चुस्की लगाएं और थोड़ी देर तक क्वारंटीन की परेशानियों को भूल जाएं। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो इसको बनाना भी काफ़ी मज़ेदार है, आसान है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी ये डालगुना कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है और आप इसे बनाएं अपने घर में, बहुत आसानी से बन जाएगी। और अगर ठंडा बनाना चाहते हैं तो ठंडे दूध के साथ आइस क्यूब इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। मैंने जो कॉफ़ी के दाग को छुड़ाने की बात की थी तो वो एक टफ़ टास्क है, लेकिन फिर भी उसे छुड़ाया जा सकता है। इसलिए हमें 3 स्टेप में काम करना होगा। स्टेप 1, जहाँ पर कॉफ़ी का दाग लगा हो उस जगह को टैप वाटर के नीचे डाल दें, रनिंग वाटर के नीचे पड़ा रहने से ये धुल कर निकल जाएगा। स्टेप 2, लगभग 1 लीटर
गुनगुना गर्म पानी लें, उसमें हाफ टी स्पून डिश वॉश डिटर्जेंट डाल दें, वॉशिंग डिटर्जेंट नहीं डालना है। साथ ही यहाँ पर एक टेबल स्पून वाइट विनेगर डालें। अब कपड़े को आधे घंटे तक इसी में सोख होने दें, फिर उसे निचोड़ कर धो डालें। स्टेप 3, दाग वाली जगह पर स्प्रिट रगड़ें और 10 मिनट इसे छोड़ दें। दाग बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाएगा और इसे फिर नॉर्मल डिटर्जेंट से धोकर साफ कर लें। तो ये तो रही दाग हटाने की बात। दोस्तों, आपने इस डालगुना कॉफ़ी को देखा, इसके बनाने का तरीका देखा और आपने ज़रूर इसे पिया होगा, चखा होगा। अब की बार आप इसे अपने घर में बनाएं, साथ बनाए रखें, क्योंकि आप ही से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किया है वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप सबों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।